हाय टू एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी से। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। आज वेनसडे है, 10th of March, और अभी टाइम हो रहा है 2:46। ये वीडियो पब्लिश होगा कल, और कल है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। शिवरात्रि के दिन मैंने किस तरह से सेलिब्रेट किया है वो तो मैं आप सबसे शेयर करूंगी ही। वो वाला वीडियो पब्लिश होगा परसों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी बहुत बढ़िया। आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में मैगी बनाया था, और लंच में मैंने जो भी बनाया है सब मैं आपसे शेयर करूँगी। एक सब्जी बनाई, करेला, बैगन और ब्रॉड बीन्स और अनियन डाल के एक फ्राई बनाया मैंने, और मैंने बनाया मटन करी। मटन करी मैंने बहुत सिंपल स्पाइसेस से बनाया, ताकि कोई मैंने ज़्यादा तेल मसाला नहीं, पतला झोल बोलते हैं ना, वैसा मैंने बनाया है मटन। चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से बनाया है मटन करी। ये करेले की सब्ज़ी बहुत ही इजी है बनाने में और हेल्दी भी है। इसमें मैंने करेले के साथ बैगन, ब्रॉड बीन्स और अनियंस को ऐड किया है। जस्ट इसे सॉटे किया है, फ्राई किया कम तेल में, और 5 फ़ोरन और रेड चिली ऐड किया है। और इधर मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, मैंने बहुत कम मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाला है 3 ड्राई रेड चिली, और ऐड किया है 2 बे लीव्स को काट के। खड़े गरम मसाले में मैंने इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी को कूट के ऐड किया है। जैसे ही खड़े गरम मसाले भुन जाए, इसमें मैंने ऐड किया है 1 लार्ज अनियंस स्लाइस किया हुआ, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब ये 50% फ्राई हो जाए, उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड ऐड सम टर्मरिक पाउडर। अगेन मिक्स इट वेल, और इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें ऐड करें गार्लिक। मैंने यहाँ पे गार्लिक 2 तरह से ऐड किया है, कुछ क्रश्ड गार्लिक ऐड किया है और कुछ गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। गार्लिक मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। ऐड 1 teaspoon जिंजर पेस्ट, देन अगेन मिक्स इट वेल, अच्छे से मिक्स करें और फ्राई करें। उसके बाद इसमें ऐड करें ग्रीन चिली पेस्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कौन कितना तीखा पसंद करता है। 1.5 spoon धनिया पाउडर ऐड करें, एंड 1.5 spoon जीरा पाउडर ऐड करें। अगेन मिक्स इट वेल, अच्छे से मिक्स करें और इसे फ्राई करें। कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1 teaspoon, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ये ऐड नहीं किया है, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और इसमें 1/2 cup योगर्ट ऐड करें, और सबको अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल, और इसे कुक करें तब तक जब तक कि अच्छे से सारे मसाले भुन ना जाए। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब शुगर ऐड किया है, इट्स ऑप्शनल, एज यू ऑल नो शुगर एनहांसेस द टेस्ट ऑफ एनी करी। और सबको अच्छे से मिक्स करें और कुक करें फॉर अनदर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट मसाला अच्छे से भुन गया। नाउ ऐड 1/2 kg ऑफ मटन। मटन को अच्छे से मिक्स करें मसालों के साथ और उसे फ्राई करें फॉर 5 मिनट्स। कवर करके उसे 5 मिनट्स तक फ्राई करें। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी कि अच्छे से फ्राई हो चुका है मटन, और ऑयल भी रिलीज हुआ है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड पोटैटोज ऑन इट। एज यू ऑल नो, बंगालीज का मटन करी पोटैटो के बिना इज़ इनकम्प्लीट। सबको अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल, एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड हॉट वाटर ऑन इट। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना वाटर आप ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा पतला झोल बनाना था, इसलिए मैंने वाटर थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करें, और कुकर का लिड लगा के इसे 2-3 whistle तक कुक करें।
कुकर का स्टीम निकलने के बाद कुकर का लिड ओपन करें और यू कैन सी कि मटन करी इज़ रेडी टू सर्व। अभी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करें। एज यू ऑल नो, बंगालीज का मील शुरू होता है कड़वे के साथ, सो मैंने ये करेले की सब्ज़ी बनाई, साथ में मटन करी और स्टीम राइस और विथ बेर की चटनी। बेर की चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी।